हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डूटेटमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के ऊपर। आज हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है और इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कितना से कितना लिखना है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका पहला एक वीडियो है कमर्शियल बैंक के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द फाइनेंसिंग बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। एक देश के अंदर सबसे सर्वोच्च जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं और फाइनेंसिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं एक कंट्री के अंदर, तो उसको ही हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सर्वोच्च ये बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक, इसके नीचे कौन कौन रहता है? बहुत सारा बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक है, SBI है, फेडरल बैंक है, यस बैंक है, ऐसा जो भी बैंक है, मतलब सब बैंक के ऊपर जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे एपेक्स मतलब सर्वोच्च स्तर पे ये सेंट्रल बैंक रहता है। ठीक है, इट प्लेज अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग, डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए इकोनॉमी। मतलब एक एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, ये सेंट्रल बैंक एक्चुअली हर एक देश का होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, उसके इसका काम क्या है? इसका काम है ऑर्गेनाइज करना, रन करना, सुपरवाइज करना, सबके ऊपर देखभाल करना, रेगुलेट करना, इसको डेवलप करना। किसको डेवलप करना? ये जो बैंकिंग सेक्टर है या नॉन बैंकिंग सेक्टर जो भी है एक कंट्री के अंदर, सबको ये सुपरवाइज करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में जितने सारे भी कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलना होता है। ठीक है, अगर वो सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो वो बैंक रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। ठीक है, उसको बैंक के रूप में नहीं माना जाएगा। इट इज नोन एज बैंक ऑफ इंग्लैंड इन इंग्लैंड, मतलब ये हर एक देश का सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और जो USA का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, और बैंक ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, फाइनेंस फ्रांस के जो बैंक ऑफ फ्रांस बोलते हैं, जो फ्रांस का जो रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है उसको, और भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है इसको। एक्चुअली ये सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, ये कोई मुनाफा नहीं लेता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं सभी पैसे लेने के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, वो कस्टमर से प्रॉफिट लेता है। लेकिन ये सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक किसी से एक भी इसका मकसद जो है ये प्रॉफिट लेना नहीं है। ठीक है, इट एक्ट एज ए पब्लिक इंटरेस्ट, ये जनहित के लिए काम करता है। ठीक है, ये कोई पैसे नहीं लेता। ठीक है, एवरी कंट्री हैज देयर ओन इंडिविजुअल सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होते हैं अपने अपने देश का, और इसका फ्यू ऑफिसेस भी होता है। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है और गवर्नमेंट इसको मैनेज करता है। ठीक है, अपने ऑफिशियल्स के द्वारा। इट डज नॉट परफॉर्म एनी कमर्शियल बैंकिंग फंक्शन, मतलब जो कमर्शियल बैंक है, एक्सिस बैंक है या SBI बैंक है, एक्सिस बैंक या SBI है, जो भी बैंक है, ये जैसा फंक्शन करता है ये जो सेंट्रल बैंक है ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं करता। ठीक है, बट परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं करते लेकिन इसका बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, तो वो हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पहला पॉइंट। पहला जो पॉइंट है, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, मतलब ये जो नोट छापने का जो परमिशन है वो कौन कर सकता है, नोट कौन छाप सकता है? सेंट्रल बैंक। हर एक देश का जो नोट है वो कौन सबसे छाप सकता है? सेंट्रल बैंक। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में सिर्फ RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही राइट है नोट छापने का, इसलिए नोट के ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये नोट छापते हैं। द करेंसी नोट्स कॉइन्स
इशूड बाय लीगल टेंडर, ठीक है, वो ऐसे लीगल टेंडर के द्वारा ये नोट छापते हैं, और ये नोट छापने के लिए वो लोग सर्टेन कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आरबीआई चाहे अगर कि 100 रुपए का नोट छापना है तो ऐसे ही नहीं छाप सकता, ये 100 रुपए का कैश रिजर्व डालना होता है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, एज ए फॉरेन सिक्योरिटी ये कैश रिजर्व रखना होता है आरबीआई को। आरबीआई ऐसे ही नोट नहीं छाप सकता, ठीक है, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रखना पड़ता है, ठीक है। इट हैज द सोल राइट टू एक्सचेंज नोट्स ऑफ वेरियस डोमिनेंट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। और ये जो है जो 1 रुपी का नोट है, मतलब कॉइन जो होता है 1 रुपए का जो कॉइन होता है, वो 1 रुपए का कॉइन ये आरबीआई नहीं छापता। 1 रुपए के अलावा जो भी है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, जो भी है वो आरबीआई छापता है, लेकिन एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट या कॉइन, ठीक है, वो कौन छापता है 1 रुपी कॉइन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ये छापता है, ठीक है। और आरबीआई जो है, आरबीआई को बहुत सारा रिजर्व रखना पड़ता है। अगर नोट छापे, नोट छापने के लिए बहुत सारा रिजर्व रखना पड़ता है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो सिंस 1957 से हमारे देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो 200 करोड़ में से मिनिमम जो है वो 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ गोल्ड के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे देश का जो गोल्ड है, गोल्ड को रिजर्व रख के फिर हम नोट छापने की परमिशन ले सकते हैं। अगर परमिशन मिलता है आरबीआई को नोट छापने की, तो तभी आरबीआई नोट छाप सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा छाप दे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं वो डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद है बैंकर, फिस्कल एजेंट, एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? सेंट्रल बैंक का और एक फंक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई जो होता है, उसके पास लोग जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल जाता है, अपना खाता खोलता है, अकाउंट खोलता है और उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकता है, चेक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से पैसे को उठा सकता है, लोन ले सकता है और जो अलग अलग बहुत सारा काम है वो सब कर सकता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक से क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल पैसे विड्रॉ कर सकता है, पैसा डाल सकता है। ऐसे ही ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, बहुत सारा कमर्शियल बैंक जो है वो कमर्शियल अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल बैंक में रखता है। तो वैसे ही जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के प्रति काम करता है, जैसे परफॉर्म करता है एक कस्टमर के प्रति, वैसा ही आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने कमर्शियल बैंक के प्रति ऐसे ही काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं इधर, एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ पे पैसा रिजर्व रखते हैं, ठीक है। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द सेम फंक्शन एज टू परफॉर्म इन द कमर्शियल बैंक फॉर देयर कस्टमर। कमर्शियल बैंक में कस्टमर के लिए जैसा परफॉर्म करते, कमर्शियल बैंक कस्टमर को जैसे ट्रीट करता है, ठीक वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को ट्रीट करता है, ठीक है। एज फिजिकल एजेंट के माध्यम से इट मैनेजेस पब्लिक डेट। ये पब्लिक डेट क्या है? पब्लिक डेट इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है अपने, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये देख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक डेट किसे बोलते हैं मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक डेट किसे बोलते हैं? अगर आप मान लो कि हमारे देश का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब टोटल जो खर्च हुआ अगर मान लो 100 रुपये, ठीक है, और जो वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता है, मतलब जो टैक्स मिलता है, वो मान लो सिर्फ 90 रुपये टैक्स मिला। अगर हमारे देश की बात करें तो मान लीजिए ऐसे ही जस्ट एन एग्जांपल, 100 रुपये टोटल जो इनकम है, टोटल खर्च हुआ एक गवर्नमेंट का, हमारे देश की गवर्नमेंट का, मान लेते हैं एक साल में 100 रुपये खर्च हुआ, 100 रुपये खर्च हुआ, लेकिन जो रेवेन्यू आया है, मतलब जो टैक्स आया है, टैक्स मिला है वो 90, तो 10 कहाँ से भरेंगे? 10 तो उधार हो गया, तो ये उधार लेना पड़ेगा कहाँ से? सेंट्रल बैंक से, ठीक है। वो सेंट्रल बैंक, ये इसको पब्लिक डेट बोलते हैं। पब्लिक डेट किसे बोलते हैं?
ये 10 रुपए जो शॉर्टेज हो गया, ये शॉर्टेज को मिटाने के लिए जो लोन लिया जाता है, इसको ही पब्लिक डेट बोलते हैं। दैट इज इट इशू न्यू लोन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति ये लोन इशू करते हैं, ठीक है। रिसीव द सब्सक्रिप्शन ऑफ लोन, और ये जो लोन का सब्सक्रिप्शन है उसको भी लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। पेज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो पे करता है वो गवर्नमेंट, तो उसको भी ले लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन द फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मेजर, और ये गवर्नमेंट को डिरेक्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं एडवाइस लेने में, ठीक है। एडवाइस करते हैं कैसे मॉनिटरी मेजर लिया जाएगा, कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाएगा, ऐसे कई सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये बहुत सारा हेल्प करते हैं, बहुत एडवाइस देते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है बैंकर टू द बैंक, मतलब बैंक का बैंकर है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें हमारा बैंक कौन सा है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का बैंक कौन सा होता है, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसको कमर्शियल बैंक, जैसे SBI ही हम बात करते हैं, ठीक है। हमारा बैंक कौन सा है, SBI, और ये है हमारा बैंकर, और बैंकर का भी बैंक कौन सा है, वो है सेंट्रल बैंक, ठीक है, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, बैंकर ऑफ ऑल बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब ये अगर मान ले SBI की, ठीक है, अगर हम पैसा डालते हैं, 1 करोड़ रुपए एक दिन में डिपॉजिट होता है, मान ले SBI में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ एक दिन में, तो 1 करोड़ रुपए SBI नहीं रख सकता, सिर्फ कुछ पैसे रखकर, ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए रखकर बाकी जो पैसा है, बाकी पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही रूल है। इट डिस्काउंट बिल ऑन कमर्शियल बैंक एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटी, और क्या करते हैं, जो RBI है, RBI ये SBI और जो भी बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, सबके ऊपर कंट्रोल करता है और उसके एक्टिविटी के ऊपर देखभाल करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक मेक्स देयर पॉलिसीज अंडर द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे SBI है, HDFC बैंक है, सेंट्रल जो भी बैंक है, वो बैंक को क्या करना पड़ता है, वो डायरेक्शन और गाइडलाइंस जो सेंट्रल बैंक देता है, मतलब RBI जो भी डायरेक्शन और गाइडलाइंस देता है, वो डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस के मुताबिक ही बैंक को बनाना पड़ता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ता है एक कमर्शियल बैंक को। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ क्या होता है, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री आर रूटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। मतलब एक देश में जो भी एक्सचेंज होता है पैसा, पैसा एक्सचेंज होना कहाँ से होता है, वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही होता है। मतलब अगर मान ले कि मेरा यूट्यूब से कुछ कमाई आने वाला है, ठीक है, मान लेते हैं कि 20,000 रुपये US से मेरा यूट्यूब के लिए आ रहा है, US से, तो वो एक फॉरेन कंट्री है, तो पहले जो पैसा है पहले वो रिजर्व बैंक के पास आएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक वो डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपी में, उसके बाद जो बैंक है उसको देगा और वो बैंक मुझ तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, मतलब कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट के मुताबिक RBI उसको कन्वर्ट करके रूपी में देगा मुझे, ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ नेशनल एक्सचेंज रिजर्व, ओके, ये हो गया। उसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स ऑल रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक का कोई भी प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है, तो कमर्शियल बैंक को भी लोन कौन देता है, वो लोन देता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को असिस्ट करता है, इसका कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है उसको देखता है, ठीक है, डिस्काउंट हाउसेस देता है, जो भी ब्रोकर होता है उसको भी हेल्प करते हैं, ऐसा मतलब जो भी सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के पास ही कमर्शियल बैंक का पूरा जो अथॉरिटी है ये रहता है, तो इसलिए अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर प्रॉब्लम में है, तो इसका सेंट्रल बैंक जो है, RBI का ये ड्यूटी है कि इसको असिस्ट करे, ठीक है। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट,
जैसे कि हमने देखा क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, ये क्या है? जैसे कि हमने बताया कि एक कमर्शियल बैंक में, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी बैंक है, उसमें इंडिविजुअल लोग पैसे रखते हैं, ठीक है, पैसे तो उठाने भी आते हैं। तो अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपए ये सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को एक दिन में मिलता है, तो वो क्या करेगा, वो पैसे सेंट्रल बैंक को दे के आना पड़ेगा, ये जो कमर्शियल बैंक है इसको RBI को देना होगा कुछ पैसे इसके अंदर रख के, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सारा पैसा तो RBI को दे दिया, मैक्सिमम जो पैसा है, अगर कोई कस्टमर अगर आता है ये कमर्शियल बैंक में, अगर कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए विड्रॉ करना है, अगर ऐसे ही कस्टमर 5 आ गए तो ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जो है ये एकदम खाली हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, चेक जब हम डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, वो चेक को वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद वो चेक का जो सेटलमेंट है उसको चेक इशू करवाना पड़ता है। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक को, रिजर्व बैंक को वो जो चेक है, चेक का एक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो ट्रांसफर करते हैं। या हम बात करें कि NEFT की बात करें, तो NEFT में भी ऐसा ही होता है, पूरा जो पैसा है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑल सेटलमेंट फॉर म्यूचुअल क्लेम, म्यूचुअल क्लेम जो होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो होते हैं वैसा, और FD जो होते हैं उसको भी विड्रॉल करने के लिए, कमर्शियल बैंक ऑन ईच अदर एवरी डे कस्टमर इशू चेक्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक सिंस द कमर्शियल बैंक कीप देयर कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के पास अपना कैश रिजर्व रखते हैं। इट इज़ ईजियर एंड कन्वीनियंट टू क्लियर द सेटल क्लेम, जो ये बहुत ईजी होता है सेटल क्लेम को सेटल करना बिटवीन देम बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री कर देता है बैंक में और जो पैसा है RBI से अकाउंट में घुस जाता है, ठीक है, और वो क्लियर कर सकता है। तो ये हो गया क्लियरिंग हाउस, मतलब सेंट्रल बैंक ऐसे भी काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब जो उधार देना, उधार की जो लिमिट है इसको कंट्रोल करने की क्षमता रिजर्व बैंक के पास होता है। मतलब रिजर्व बैंक फंक्शन एक इकोनॉमी, भारत के जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए मतलब बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, जैसे सप्लाई क्रेडिट हैज़ टू बी रेगुलेटेड, मतलब सप्लाई का जो क्रेडिट है, मतलब अगर कोई भी बैंक से निवेदन करे कि मुझे 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए, सबको ये नहीं दे सकता, रिजर्व बैंक सबको नहीं देता, मतलब वो कमर्शियल बैंक के पास भी परमिशन नहीं होता सबको देने के लिए। तो उसमें क्या होता, उसमें दो तरह दो टेक्निक यूज़ किया जाता है, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है, वो एम करते हैं कि कंट्रोलिंग द कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, मतलब जो ऋण देगा, ठीक है, मतलब जो लोन देगा, लोन का जो अमाउंट है, लोन का अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। जब देखता है कि इन्फ्लेशन हुआ है तब पूरा जो अवेलेबिलिटी है उसको घटा देते हैं, और जब देखते हैं इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकता है तभी वो बहुत सारा लोन देने लग जाता है, तो ठीक है। तो ये हो गया और एक काम, कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद है प्रोमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, इसके साथ साथ बहुत सारा प्रोमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन भी ये कमर्शियल बैंक करते हैं। इन एडिशन टू द एवर फंक्शन, ये फंक्शन के अलावा भी द सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स फॉर डेवलपिंग प्रोमोटिंग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को और भी अच्छा करने के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये स्टेप लेते हैं। जैसे UPI अभी आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको सही तरह से चलाने के लिए वो बहुत स्ट्रांगनेस की ज़रूरत है, तो बैंकिंग सेक्टर में वो स्ट्रेंथ लाते हैं ये सेंट्रल बैंक। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, असिस्ट द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम ये सेंट्रल बैंक करते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर का।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आप ऐसे ही और भी नोट्स या और भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।